हेलो गाइस, आज हम राजनगर एक्सटेंशन में, यहाँ पर हम बना रहे हैं एक स्पोर्ट्स स्टोर जिसके अंदर हमारे स्पोर्ट्स वियर, बैडमिंटन, क्रिकेट्स, इन सब का हमारा एसेसरीज हमारी होंगी। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं एलिवेशन पे। एलिवेशन का वर्क जो हम ACP में किया है, लोअर हमने ऊपर बनाया है और नीचे हमारा एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जो कि हमारा एक डोर था, उसको हमें हाइड भी करना था। तो उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको इस तरह से कुछ दिखाता हूँ। इनिशियली हमारा यहाँ पर बाईफोल्ड डोर था जो कि लोहे का था, तो हमें उसको हटाना भी नहीं था, हम शटर भी नहीं लगा सकते थे, तो उसको हमको डिज़ाइनिंग में ही कन्वर्ट करके अपने एस्थेटिक्स में लेना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डोर को 90 डिग्री पे हमने फोल्ड कर दिया एंड उसके बाद उसके ऊपर ब्लैक ACP शीट लगाई और जो ऊपर हमारा कलर जा रहा है पूरे को एक थीम में लेते हुए हम आगे बढ़े हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा एल्यूमिनियम का फ्रेम जो हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमको इसको सबसे पहले थीम में कन्वर्ट करने के लिए ब्लैक कलर का करना पड़ेगा और हम ग्लास पे भी कुछ फिल्म का यूज़ करेंगे। अंदर आने के बाद में सबसे पहले हमें रिसेप्शन पार्ट बनाना है, बेसिकली जहाँ पे हमारा काउंटर होगा या रिसेप्शन होगा, तो रिसेप्शन का पार्ट थोड़ा हाईलाइटेड होना चाहिए। तो उसको हमने डिज़ाइनिंग में इस तरह से कन्वर्ट किया है कि टेक्सचर को यूज़ किया है जिससे कि हमारी डेप्थ आई डिज़ाइनिंग में एंड एक डिफरेंट पैटर्न हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसके बाद हमारा होगा यहाँ पर स्पोर्ट्स वियर जो हमारी टी शर्ट, लोअर, ये सब हमारा यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए ये फिटिंग्स लगानी, ये सब एक वर्कमैनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से काम किया है। इसके बाद हमने थर्ड सेक्शन वो डिवाइड किया है जहाँ पर हमारा शूज़ का हम थोड़ा सा पार्ट रखेंगे और हेलमेट्स वगैरह के लिए कुछ एसेसरीज आएगी। यह है हमारा रिसेप्शन एज वेल एज बिलिंग काउंटर, तो इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में लिया है और ऊपर का पोर्शन ये हमारा रिसेप्शन डेस्क की तरह से यूज़ होगा एंड यहाँ पर हमारा एक बिलिंग काउंटर की तरह से यूज़ होगा। इसमें पीछे हमने स्टोरेज भी दिया है, लाइक ड्रॉअर हमें चाहिए होती है थोड़ा बहुत कैश वगैरह रखने के लिए, तो वो हमारा यहाँ पर प्रोविज़न पूरा है। एंड यहाँ पर चेयर आएगी, तो चेयर के लिए पूरा लेग स्पेस हमारा प्रॉपर हमने दिया है। और मैं एंटर करने के बाद सबसे पहले जो हमारा व्यू पॉइंट जाता है वो जाता है हमारा मेन वॉल पे। ये हमारी मेन वॉल रहती है स्टोर की, तो इसको हमें हाईलाइट करना था और हाईलाइट इस तरह से करना था कि बहुत ही ज़्यादा एट्रेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा एट्रैक्ट करे कस्टमर को। तो उसके लिए हमने सबसे पहले लूअर्स लगाए एंड इसके ऊपर हाईलाइट करने के लिए स्पोर्ट्स इज आर्ट दैट रिजेंबल्स विद द कला स्पोर्ट्स। स्टोर का नाम जो होने वाला है वो हमारा कला स्पोर्ट्स के नाम से होगा। एंड साइड्स में हम देखते हैं तो हमने यूज़ किया है कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर, तो मिरर हमारा आएगा जिससे कि रिफ्लेक्शन आएगा पूरी शॉप का। तो शॉप का रिफ्लेक्शन आने से क्या होगा कि पूरी शॉप या स्टोर जो भी है हमारा बहुत बड़ा लगेगा। इसके बाद आते हैं हम हमारी लेफ़्ट वॉल पे। स्टोर में एंटर करने के बाद ये हमारी लेफ़्ट वॉल है। तो सबसे पहले हमने 8 फिट तक हमने प्रोविज़न दिया है, जो भी हमारा सामान होगा वो 8 फिट से एक्सटेंड ना करे क्योंकि वहाँ तक हमारी रीच नहीं हो पाती, एक्सेस नहीं हो पाता। तो ऊपर का पैटर्न हमने यूज़ करना है, तो वॉलपेपर हम लगा रहे हैं जो कि हमारे प्लेयर्स हैं उन सब की इसमें पिक्चर्स आ जाएंगी एंड नीचे वाला पोर्शन हमारा एसेसरीज या जो भी हमारा सामान आना है वो 8 फिट के लेंथ तक चला जाएगा, एक्सेसिबल लेंथ तक चला जाएगा। तो ये हमारे सेक्शन हमने डिवाइड किए हैं। ये सेक्शन हैं, यहाँ पे हमारे क्रिकेट बैट्स आएंगे, तो हमारी हाफ एंड हाफ टू पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है एंड ऊपर भी हमारी 4 फिटिंग आ जाएंगी जिसमें हमारे लगभग 16 बैट्स आ जाएंगे। तो टोटल हमारे 3 पार्ट में 96 बैट्स यहाँ पे आ रहे हैं एंड बीच वाला पार्ट जो है, बीच वाले पार्ट में हम लगा रहे हैं प्रोफाइल लाइट जिससे कि क्या होगा, जो हमारा शेल्फ पे सामान रखा होगा वो सामान भी उसमें थोड़ा सा हाईलाइट होगा एंड यहाँ पे हमारे शेल्फ आएंगे जिसके ऊपर हेलमेट्स, ग्लव्स, ये सब हमारा सामान आराम से आ जाएगा। इसी तरह से सेम 3 पार्ट में हमने सेक्शन डिवाइड किया है जहाँ पर हमारी बैट्स की फिटिंग आएगी। जल्द हम इसको फाइनल भी देखेंगे आने वाले टाइम में। एंड ये वाला सेक्शन जो है हमारा एंट्री पे ही, ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा डेडिकेटेड है, जो हमारी एसेसरीज रखी जाएंगी यहाँ पे, हेलमेट्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह एंड बैडमिंटन हो गया, ये सब जो भी हमारे स्पोर्ट्स के छोटे छोटे आइटम्स हैं वो हमारे यहाँ पे आएंगे, बॉल्स वगैरह हो गई, तो वो हमारा यहाँ पे आने वाला है। इसकी बात करूँ मैं तो यहाँ पे हमारा ये अनइवन स्पेस था, इस यहाँ पे क्या है, स्विच का हमने जितनी भी लाइट है एंट्री पे ही सारा प्रोविज़न दे दिया है कि जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी हमारी ऑन ऑफ हमारी एंट्रेंस ही रहेगी। एंड इसको इवन करने के लिए हमने ऊपर स्टोरेज बनाया है, थोड़ा हमारा यहाँ पे डेकोरेटिव्स हम रख देंगे, लाइटिंग का स्पेस इसमें आ जाएगा एंड ये पार्ट हमारा कवर हो जाएगा, जो भी हमारे एडेप्टर होंगे प्रोफाइल लाइट वगैरह के, जितनी भी हमारी
क्लिप ऑन बोर्ड लग रहे हैं उन सब के अडेप्टर इसके अंदर हमारे आ जाएंगे। तो गाइज इसमें जो हमारी थीम होने वाली है वो हमारी ब्लैक कलर थीम थी। ब्लैक कलर का मोनोक्रोम हमें जाना था तो हम थोड़ा सा ग्रेज में गए हैं एंड उसको सब चीज़ को कॉन्ट्रास्ट में एक पॉइंट लाने के लिए वो हमने यूज़ किया है ऑफ वाइट कलर। एज यू कैन सी इन स्पोर्ट्स इस आर्ट हमने यूज़ किया है ऑफ वाइट कलर एंड बाकी जितने भी हमारे ब्रांडिंग नेम्स आएंगे उसके अंदर हम ऑफ वाइट यूज़ कर रहे हैं एंड एक्सेंट में हम थोड़ा बहुत टच देंगे, रेड हो गया ये सब हमारा कलर रहेगा उसके।